पन्ना से 25,000 की रिश्वत के साथ पवई सदर पटवारी पर लोकायुक्त टीम की छापेमार कार्रवाई। शिकायतकर्ता विकास जैन से अतिक्रमण का केस खारिज करने के मामले में मांगी थी 50,000 की घूस। 25,000 की पहली किस्त के साथ सदर पटवारी को लोकायुक्त ने शासकीय आवास से पकड़ा। पवई मुख्यालय में पदस्थ सदर पटवारी राजेंद्र सोनी को लोकायुक्त टीम सागर ने 25,000 की रिश्वत के साथ उसके शासकीय आवास से पकड़ा। उक्त कार्रवाई विकास जैन की शिकायत पर की गई, जिसमें अतिक्रमण के केस को खारिज करने के मामले में पटवारी ने शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त आज 25,000 रुपए दिए। तभी निरीक्षक अभिषेक वर्मा की अगुवाई में लोकायुक्त टीम सागर ने पटवारी के शासकीय आवास में छापामार कार्रवाई करते हुए पटवारी को 25,000 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़कर तहसील कार्यालय पवई लाया गया, जहां लोकायुक्त टीम में पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। बाइट विकास जैन शिकायतकर्ता, बाइट अभिषेक वर्मा निरीक्षक लोकायुक्त टीम सागर। वहीं पटवारी का कहना है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे जबरन फंसाया जा रहा है। शिकायतकर्ता का बस स्टैंड के पास की जमीन में अतिक्रमण का प्रकरण लंबित था, जिसे निपटाने का मुझसे कई बार प्रयास किया गया, परंतु जब शिकायतकर्ता का काम नहीं बना तो उसके द्वारा आज सुबह मेरे पास आकर 25,000 रुपये मेरे जेब में डाल दिए और पीछे से लोकायुक्त की टीम आ गई और मुझे इस मामले में साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। बाइट राजेंद्र सोनी, आरोपी पटवारी, पन्ना से जिला ब्यूरो, सौरभ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अभी चल रहा है यहाँ बस स्टैंड के पास सरकारी जमीन अतिक्रमण का, तो इसने मेरे से कहा कि पटवारी जी प्रकरण निपटा दूँ, मैंने नहीं निपटाऊँगा, फिर अपने आप पैसे की बात करता रहा, मैं आपको इतने दूंगा मेरा काम करवा दिया। फिर इसके बाद आज सुबह आया और जबरदस्ती इसने कुछ पैसे मेरे जेब में डाले और फिर आके उनके जेब में आई, उन्होंने कहा पैसे ले जाकर आप इसलिए साहब को देना है कुछ। मैं वहाँ पर गया, लेकिन वहाँ पर फिर जैसे मैं तहसीलदार साहब के पास गया, मेरी इच्छा नहीं हुई जब इसकी मैंने फंसाने की, फिर मैं बाउंड्री कूद के भागा वहाँ से। फिर देखते हुए पुलिस ने मुझे पकड़ा और मतलब मेरा पैर ही मुड़ गया और मारा भी, पर मेरे पैसे ऐसे नहीं लेकर बाहर, मुझे नहीं मालूम कहाँ से पैसे से लेके आया था। और यहाँ से उसके बाद की कार्रवाई तहसील हुई। मेरा एक केस पेंडिंग है तहसील में, जिसमें मेरी पट्टी की जगह मैंने बोन्नी वाल बनाए थे, उसमें अतिक्रमण का केस हमने लगा दिया था। उसमें किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया था? अतिक्रमण कुछ नहीं, मेरी पट्टी की जगह में मैंने बाउंड्री वाल अपना निर्माण किया था, उस पर मेरा केस यहाँ पे इन लोगों ने अतिक्रमण का कर दिया था। किसने किया? तहसीलदार और पटवारी द्वारा, पटवारी ने किया, और जिसमें उससे 1,00,000 रुपए की मांग की गई है। तो मैंने कहा भाई 1,00,000 नहीं, 10-20,000 ले लो, क्योंकि पट्टी की जगह है, ये लोग नहीं माने, तो फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मैंने आज 25,000 रुपये ने बयाने के तौर पर पटवारी जी को दिया, जो कि लोकायुक्त ने पकड़ लिया। कहाँ से पकड़ा है? वो पटवारी ऑफिस। कब पैसा दिया था आपने? सुबह। कहाँ पे? पटवारी ऑफिस। क्या नाम? पवई निवासी जो है उनका अतिक्रमण का केस यहाँ तहसील कार्यालय में लंबित था, तो उस अतिक्रमण के केस को खारिज करने के एवज में पटवारी श्री राजेंद्र सोनी द्वारा 50,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसमें 25,000 रुपये की पहली किस्त उसने आज मांगी थी, उसी दौरान कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करके पकड़ा है। कार्रवाई में क्या पाया गया? उसने पाया रिश्वत लेते हुए पाया गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, पटवारी 25,000 रुपये। क्या नाम है आपका, किस पद में? मैं अभिषेक वर्मा, इंस्पेक्टर लोकायुक्त सागर। तहसीलदार साहब को क्या बैठा है? नहीं, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं, वो जांच का विषय है, अब देखेंगे उसमें आगे क्या निकलता है। फिलहाल तो जो शिकायत थी सिर्फ पटवारी की थी, उसी के खिलाफ शिकायत भी हुई थी और उसी ने पैसे भी लिए। कहाँ से पकड़ा गया है? उसके शासकीय जो आवास है उसका, उसके पास शासकीय वहाँ रहता है, वहीं से पकड़ा गया।